हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ब्रश। इस वीडियो में हम रेजिन से राखियां बनाना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम अपने सिलिकॉन मोल्ड्स को क्लीन कर लेंगे। इसके लिए मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। आप मास्किंग टेप, पैकिंग टेप या ट्रांसपेरेंट टेप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ वेट वाइप्स और बेबी वाइप्स। फ्रेंड्स, सेल्फ सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाई डूइंग रेजिन वर्क, बिकॉज रेजिन एंड हार्डनर आर केमिकल्स जिन्हें मिक्स करने पर केमिकल रिएक्शन होता है। सो ऑलवेज वेयर ग्लव्स, मास्क, ग्लासेस एंड एप्रन, उनके बिना रेजिन का काम बिल्कुल ना करें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट वेन एवर यू डू रेजिन वर्क, यू हैव टू लेवल योर टेबल, अदरवाइज सारा रेजिन पोर करने के बाद एक तरफ हो जाएगा, विच यू रियली डोंट वॉन्ट टू हैपन विथ योर वर्क। जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, आई एम अगेन चेकिंग लेवल आफ्टर प्लेसिंग माई मोल्ड। आप ये सारे काम रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने के पहले ही कर लें, क्योंकि जैसे ही हम अपनी मिक्सिंग कंटेनर में रेजिन और हार्डनर को पोर करते हैं, हमारे रेजिन का पॉट लाइफ काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। मैंने यहाँ रेजिन एंड हार्डनर को मिक्स करने के लिए डिस्पोजेबल ग्लासेस का यूज़ किया है। आई एम जस्ट ट्रिमिंग इट सो दैट ज़्यादा रेजिन इसके वॉल्स पर लगकर वेस्ट ना हो। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए लेपॉक्स ब्रांड का रेजिन यूज़ किया है, विच इज़ 1:2 रेजिन। दैट मीन्स हमें 1 part हार्डनर और 2 part रेजिन को आपस में मिक्स करना है। हमें दोनों ही रेजिन एंड हार्डनर को वेट के बेस पर मेजर करना है। तो मैंने यहाँ एक वेइंग स्केल लिया है और उस पर मेजर करके 8 g हार्डनर एंड 16 g रेजिन को मिक्स किया है। लेपॉक्स रेजिन हैज ओनली 20 minutes ऑफ पॉट लाइफ, सो आई ओनली हैव 20 minutes फॉर मिक्सिंग ग्लिटर एंड कास्टिंग। मैंने रेजिन एंड हार्डनर को आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए 2 minutes तक अच्छी तरीके से मिक्स किया है। While mixing, move your hands very slowly ताकि ज़्यादा bubbles form ना हो। और ध्यान रखें कि mixing करते time आप cup के wall and base को भी अच्छी तरीके से scrub करें, ताकि resin and hardener अच्छी तरीके से mix हो जाएं। Otherwise हमारा resin product अच्छी तरीके से cure नहीं होगा। अब मैं resin को 3 parts में divide कर रही हूँ और उनमें अलग अलग कलर्स की ग्लिटर डस्ट ऐड कर रही हूँ। रेजिन में ग्लिटर डस्ट ऐड करने के बाद उसे अच्छे तरीके से मिलाएं और एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करें। फर्स्ट कप में मैंने डीप ब्लू, सेकंड में पर्पल और थर्ड में पिंक ग्लिटर डस्ट ऐड किया है। रेजिन में ग्लिटर डस्ट ऐड करते टाइम कोई कंजूसी ना करें। पुट जेनरस अमाउंट ऑफ ग्लिटर इन रेजिन। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ग्लिटर डस्ट सिंक कर जाएगा और नीचे की तरफ बैठ जाएगा। इसके बाद हम रेजिन को सिलिकॉन मोल्ड में पोर कर लेंगे। यू कैन डायरेक्टली पोर द रेजिन इन इट और यू कैन यूज आइसक्रीम स्टिक, स्पून और ड्रॉपर। इन दिस वे यू कैन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ रेजिन। हियर आई एम नॉट फिलिंग द मोल्ड कम्प्लीटली विद द रेजिन, बिकॉज मैं यहाँ रेजिन के 2 layers डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लें। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट माई न्यू वीडियोज। Now I'm gently moving toothpick around the edges of molds ताकि resin molds के हर corner तक जाए और किनारों पर कोई bubble ना रह जाए। Toothpick को ज़्यादा गड़ा कर न चलाएं, otherwise आपके mold में scratches आ जाएंगे। Last में blow torch की help से air bubbles को pop कर लें। ब्लो टॉर्च यूज करते टाइम अपने हाथ को कंटिन्यूसली मूव करें, अदरवाइज ये आपके सिलिकॉन मोल्ड को डैमेज कर सकता है। अगर आपके पास ब्लो टॉर्च ना हो तो आप हीट गन या हेयर ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं।
इसके बाद मोल्ड को कवर करके 10 से 12 घंटों के लिए छोड़ दे ताकि इसमें डस्ट या इंसेक्ट्स ना आए। Now I'm taking this rakhi insert to put in my rakhi and make it more beautiful. If you don't have rakhi insert, then you can use marker to make personalized rakhi of your choice. यहाँ मैंने अपने पसंद के rakhi inserts को फजी कट कर लिया है। Now I'm again mixing resin and hardener for second layer. This time I have taken 4 grams of hardener and 8 grams of resin. इसके बाद हम राखी इंसर्ट्स को मोल्ड में डालकर रेजिन पोर कर लेंगे। टूथपिक की हेल्प से ही हम राखी इंसर्ट्स को अच्छी तरह से प्लेस कर लेंगे अगर रेजिन पोर करते टाइम वो मूव कर गए हों तो। ब्लो टॉर्च की हेल्प से एयर बबल्स पॉप कर लें और अपने रेजिन मोल्ड को कवर करके रख दें ताकि उसमें डस्ट या फ्लाई ना जाए और अपने रेजिन पीस को 24 आवर्स के लिए फुल्ली क्योर होने दें। अपने रेजिन पीस को मोल्ड से निकालने के लिए पहले इसे किनारों से अलग कर लें, उसके बाद बाहर खींच लें जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। किनारों पर लगे एक्स्ट्रा रेजिन को निकालने के लिए और रेजिन पीस के शार्प एज को हटाने के लिए मैंने यहाँ कटर नाइफ का यूज किया है। अगर आपके राखी के होल्स में भी रेजिन भर गया हो तो आप उसे हैंड ड्रिल की हेल्प से ड्रिल कर लें। यू कैन ऑल्सो यूज प्रिसीजन नाइफ। रेजिन पीस को ड्रिल या स्क्रैप करते टाइम हमेशा मास्क पहनें, कॉज यू माइट इनहेल माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ रेजिन विच इज डेंजरस। इसके बाद अपने राखी पेंडेंट में डोरी और मोतियां लगा लें।
रेजिन का काम शुरू करने के पहले अपने वर्क टेबल को प्लास्टिक शीट या सिलिकॉन मैट से कवर कर लें, अदरवाइज रेजिन ड्रिप्स की वजह से आपका वर्क टेबल खराब हो सकता है। ऑलवेज वेयर ग्लव्स, रेस्पिरेशन मास्क, सेफ्टी ग्लासेस, सावर कैप एंड एप्रन जब भी आप रेजिन का कोई भी काम करें। अगर आपके पास रेस्पिरेशन मास्क ना हो तो आप N95 मास्क भी यूज कर सकते हैं। रेजिन का काम किसी वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही करें, क्योंकि रेजिन रिलीज फ्यूम्स एंड गैसेस जो कि हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक है। डिफरेंट टाइप्स की रेजिन का मिक्सिंग प्रोपोर्शन, मिक्सिंग टाइम, पॉट लाइफ और क्यूरिंग टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो किसी भी रेजिन को यूज करने के पहले उसके इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से पढ़ें और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही रेजिन का यूज करें। अगर आप एयर बबल्स पॉप करने के लिए लाइटर या टॉर्च का यूज करने वाले हैं तो उसका यूज बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि ये आपके सिलिकॉन मोल्ड को खराब कर सकते हैं।